हेलो एवरीवन, मैं नेहल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है लेट्स घूमे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देश विदेशों की सैर कराने वाली हूँ और मैं सिंगापुर में रहती हूँ तो सिंगापुर की कुछ स्पेशल जगह के साथ साथ दूसरी और भी जगह दिखाने वाली हूँ क्योंकि सिंगापुर बहुत सुंदर देश है। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हो कि आज मैं आपको कहाँ घुमाने वाली हूँ? प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको लेके आई हूँ यूके, और यूके की चार कंट्री में से सबसे पहले कंट्री है इंग्लैंड। और इंग्लैंड की शुरुआत हम लंदन से करेंगे क्योंकि लंदन वहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। और लंदन में हमारा पहला भ्रमण होगा बकिंगम पैलेस। अभी कुछ दिनों पहले क्वीन एलिजाबेथ टू की डेथ हो गई है तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा ये वीडियो 3 वीक्स पहले का है इसलिए वहाँ थोड़ी हैपनिंग दिख रही है, अभी कुछ नज़ारे कुछ अलग है। मैं आपको बकिंगम पैलेस बाहर से दिखाने वाली हूँ जो हाइड पार्क के थ्रू लेके जाऊंगी ताकि आपको हाइड पार्क भी दिखा सकूँ। बहुत सुंदर है, जो बिगेस्ट रॉयल पार्क में से एक है। उसके बाद मैं आपको ट्रफाल्गर स्क्वायर ले जाने वाली हूँ। ये एक पब्लिक स्क्वायर है, यहाँ पर बहुत सारी आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स है। तो क्या आप तैयार हो मेरे साथ घूमने के लिए? तैयार हो? So let's घूमे। तो चलिए लंदन घूमते हैं जिसकी शुरुआत हम बकिंगम पैलेस से करते हैं। तो मैं बता दूं ये हाइड पार्क है जो वन ऑफ द बिगेस्ट रॉयल पार्क में से एक है। ओरिजिनली ये केंसिंगटन गार्डन से मिला हुआ था और टोटल इसका 625 एकर्स एरिया में बना हुआ था, लेकिन 1728 में क्वीन कैरोलिना ने इसे ऑफिशियली सेपरेट कर दिया और अब ये हाइड पार्क 350 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ से बकिंगम पैलेस वॉकिंग डिस्टेंस है। ये देखिए उसका गेट भी आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम अंदर जाएंगे। वैसे ये वॉक बहुत लंबा था लेकिन मैंने उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया। ये देखिए ये उसका गेट है, अब मैं अंदर आपको लेके चलती हूँ। इसके हिस्ट्री के बारे में भी आपको कुछ बता दूँ, इस पैलेस की हिस्ट्री, जो लंदन का एक रॉयल रेसिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स ऑफ द मोनार्च ऑफ यूके है जो वेस्टमिंस्टर में स्थित है। पैलेस हमेशा स्टेट के मेन अफसरों और रॉयल हॉस्पिटैलिटी का सेंटर है। नेशनल शोक या हर्ष के समय ब्रिटिश लोगों के लिए ये एक फोकल पॉइंट है। मूल रूप से बकिंगम हाउस के रूप में जाना जाता था। आज के इस पैलेस की जगह पर एक बहुत बड़ा टाउन हाउस था जिसे 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंगम के लिए एक साइट पर बनाया गया था, जो कम से कम 150 वर्ष तक एक प्राइवेट ओनरशिप में था, लेकिन 1761 में किंग जॉर्ज III द्वारा हासिल किया गया और क्वीन शार्लेट का प्राइवेट रेसिडेंसी के रूप में जानने लगे। ये एरियल पिक्चर है, क्वीन एलिजाबेथ का 90th बर्थडे मनाया था 2016 में, तब ये पूरी जगह खचाखच भरी हुई थी। और ये वो फेमस बालकनी है जहाँ से रॉयल फैमिली ब्रिटिश लोगों को ग्रीट करती है। ये एरिया काफ़ी बाद में बना था। अभी हम विक्टोरिया मेमोरियल पे चलते हैं, वहाँ से मैं आपको पूरा पैलेस का व्यू देती हूँ। ये विक्टोरिया मेमोरियल से देखिए कितना सुंदर नज़ारा। एक्चुअली ये पैलेस 19th सेंचुरी में एक आर्किटेक्ट जॉन नैश और एडवर्ड ब्लोर ने इसका विस्तार किया। सेंट्रल कोर्टयार्ड के आसपास 3 विंग्स कंस्ट्रक्ट किए। 1837 में क्वीन विक्टोरिया का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद बकिंगम पैलेस ब्रिटिश मोनार्च का लंदन रेसिडेंस बन गया। लेट 19th और 20th सेंचुरी में मेजर स्ट्रक्चर बन गया था, इंक्लूडिंग वो फेमस बालकनी। चलिए अब ये देखिए क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू, इनकी हिस्ट्री सबको मालूम है। यदि आपको इंडियन हिस्ट्री मालूम है तो ब्रिटिश राज में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये पैलेस के अपोजिट एक रॉयल
एक और रॉयल गार्डन है जो बहुत ही सुंदर है। अब इसके बाद मैं आपको ट्रफाल्गर स्क्वायर ले जाना चाहती हूँ। आई होप कि मैंने ये प्रॉपर प्रोनाउंस किया है। यहाँ से थोड़ा लंबा वॉक है, बट मैं चाहती थी कि आपको स्ट्रीट से लेके जाऊँ ताकि आपको ब्यूटीफुल सराउंडिंग दिखा सकूँ। देखिए ब्यूटीफुल डबल डेकर। मेरे साथ आप वॉक एंजॉय कीजिए। ये जो स्ट्रीट इतनी सारी जगह पर जो डेकोरेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वीन का 75th क्राउन ईयर मनाया जा रहा है, इसलिए ये पूरे साल भर इन्होंने डेकोरेशन किया था जो अभी भी है। अनफॉर्चुनेटली क्वीन अब हमारे साथ नहीं है। ब्यूटीफुल डबल डेकर, बस इसमें घूमने का कुछ अलग ही मजा है। आसपास के नजारे देखने को मिलते हैं। ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। देखिए ये बस स्टॉप अब मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर उल्टी साइड बैठते हैं और पूरा ग्लास कवर्ड होता है क्योंकि विंटर में बहुत विंडी होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है विंड हवा से। यहाँ के फेमस टेलीफोन बूथ, ऑफकोर्स सिग्नेचर टेलीफोन बूथ तो रेड कलर के होते हैं जो आपको ऑन द वे कहीं ना कहीं दिखेंगे। कुछ अभी भी वर्किंग है, कुछ उन्होंने शो के लिए खाली रखे हैं। चलिए हम ट्रफाल्गर स्क्वायर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये है वहां का फेमस सेंट मार्टिन इन द फील्ड्स चर्च। और ये है कनाडा हाउस जो हाई कमीशन ऑफ कनाडा है। और ये है नेशनल गैलरी। आपको पता है कुछ लोग ये क्या सोच रहे हैं? जो भी पब्लिक यहाँ आता है वो सोच में पड़ जाता है कि ये आर्ट को किसने बनाया है, इसके ऊपर मक्खियाँ क्यों बैठाई है, इतने सुंदर आर्ट को खराब कर दिया। और ये है नेशनल गैलरी के सामने शाहरुख खान का वो जब तक है जान का सॉन्ग सीक्वेंस। ये है नेल्सन्स कॉलम जो एक मेमोरियल है। मेरा बैड लक है कि उस टाइम कुछ अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए इन्होंने बैरियर लगाए थे। एनी हाउ मैं बैरियर के ऊपर से शूटिंग कर रही हूँ, इसलिए कैमरा थोड़ा हिल रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब मैं वो सिग्नेचर सीन का फ़ोटो दिखाऊंगी जहाँ पर शूट किया था, DDLJ का ओपनिंग सीन अमरीश पुरी का। ऑफकोर्स अंदर नहीं जाने दिया तो एग्जैक्ट प्लेस में नहीं बता पाऊँगी, बट ये फाउंटेन और बिल्डिंग के बीच में शूटिंग हुई थी। ये देखिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।